मुमताज एक पुरानी अनुभवी भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। मुमताज का जन्म अब्दुल सलीम अस्करी और शरी हबीब आगा के यहाँ हुआ था, जो ईरान से थे लेकिन बॉम्बे में सेटल हो गए थे। मुमताज फिल्म सोने की चिड़िया 1958 में एक बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी। वयस्क के रूप में मुमताज की पहली फिल्म में उनकी भूमिका 1963 की फिल्म गहरा दाग में थी। इसमें उन्होंने नायक की बहन की भूमिका निभाई थी। राज खोसला की ब्लॉकबस्टर फिल्म दो रास्ते 1969 थी, जिसने मुमताज को पूर्ण फिल्मी सितारा बना दिया। इसमें राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। '71 में मुमताज ने फिल्म खिलौना के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता। मुमताज ने 1974 में बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की। शादी के बाद वह लंदन में सेटल हो गई। उनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम नताशा और तान्या है। नताशा ने 2006 में अभिनेता फिरोज खान के बेटे परदीन खान से शादी की। मुंबई के जुहू और कोलाबा इलाके में उनके दो आलीशान घर हैं, जहां वह कभी कभार आती जाती रहती है। यह है 74 की उम्र में ली गई मुमताज की मौजूदा साल 2022 की तस्वीर।